व्हाट्सअप गाइस, आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द स्टूडियो बाई इंजीनियर्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं IQOO NEO 7 के ऊपर BGMI का गेम प्ले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली ये हमारा IQOO NEO 7 जो कि ब्लैक कलर के ऊपर है। तो ए फोन के ऊपर हमने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल स्टूडियो बाय इंजीनियर्स पे हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो में भी देख के जान सकते हैं कि ये फोन कैसा है कैसा नहीं है। तो आज हम लोग इस फोन के ऊपर देखने वाले हैं इस फोन का BGMI का टेस्ट। तो ये फोन आता है IQOO NEO 7 क्लेम करता है कि ये स्पोर्ट्स प्रॉपर गेम प्ले फोन है। तो चलिए देख लेते हैं इस फोन के ऊपर BGMI आप लोग कैसे खेल सकते हैं। तो मेरा BGMI सामने रखा हुआ है, चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारा गेम ऑन हो चुका है, चलिए देख लेते हैं इसका सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पे जान के देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप ग्राफिक्स एंड कंट्रोल में जब आओगे तो आपको दिखाई देगा ये फोन सपोर्ट करता है स्मूथ एक्सट्रीम को, जो कि 60 FPS का गेम प्ले है। IQOO क्लेम करता है कि जब ये गेम अनबैन होगा अच्छे से तब इसमें 90 FPS शो होने लगेगा सिर्फ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे। मतलब स्मूथ गेम प्ले में ही आप 90 FPS कर सकते हो, तो बैलेंस में भी आप एक्सट्रीम में खेल सकते हो, HDR में भी आप एक्सट्रीम में खेल सकते हो और HDR में भी आप एक्सट्रीम में खेल सकते हो। मतलब ए प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सर्विस सेटिंग्स के ऊपर आपको 60 FPS अनलॉक करके ये फोन देता है। तो चलिए हम लोग स्मूथ और एक्सट्रीम जो कि रिकमेंडेड है वही हम देख लेते हैं। इसका हम TDM का गेम प्ले देख लेते हैं और TDM के अंदर एक ऐसा परफॉर्म करता है ये फोन, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो TDM का मैच हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। TDM का मैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, गर्म भी नहीं होता ज्यादा, आप लोग 2-3 घंटा गेम भी खेल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है। तो हमारा गेम ऑन हो चुका है, चलिए देख लेते हैं खेल के कैसा होता है। ये गड़बड़े बाबा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सकते हैं यहाँ पे कोई भी लैग नहीं कर रहा है, देखिए थोड़ा सा भी रेंडर या फिर कुछ भी इशू नहीं है इस फोन के अंदर, मतलब सब कुछ बढ़िया से वर्क कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो भाई फिर से मार गया मेरे को, तो मैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाता हूँ पर फिर भी फन के लिए मैं खेलता हूँ ये गेम। तो कोई सा भी रेंडर नहीं हो रहा है, मतलब स्मूथ एकदम चल रहा है, 60 FPS कॉन्स्टेंट आपको निकल के देगा ये फोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा साउंड कम करके देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत सारा गेमिंग मोड भी है इसके अंदर। तो एक है मॉन्स्टर, एक है बैलेंस और एक है बैटरी सेवर मोड। तो बैटरी सेवर में उतना आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा पर मॉन्स्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट भी इसके अंदर मिलेगा, मतलब हीट फीट थोड़ा ज़्यादा करेगा पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है ये फोन में, ये फोन के अंदर एक गेम प्ले। तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4G गेमिंग वाइब्रेशन का भी दिया हुआ है, प्रॉपर एक ई-स्पोर्ट्स मोड का भी दिया हुआ है, वॉइस चेंजर का भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग आप लोग अपने ऊपर कस्टमाइज करके आप गेम खेल सकते हैं इसके अंदर। तो IQOO NEO 7 मतलब गेमिंग के मामले में बहुत ही आगे है, मतलब ये 30,000 के फोन में बहुत ही आप गेम खेल सकते हैं अच्छे से, मतलब आईफोन खरीदने का आपको जरूरत ही नहीं होगा, मतलब आप एक प्रॉपर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपको ये फोन दिक्कत नहीं देगा, मतलब आपको अच्छे से ही खेल पाओगे ये। तो 5000 mAh का बैटरी है, तो बैटरी बैकअप भी देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था मतलब उसमें 99% बैटरी हेल्थ था, पर अभी मतलब कितना मिनट हुआ मेरे को, 7 मिनट हो गया खेलते हुए TDM, तो मतलब 2% ही घटा हुआ है मेरा ऊपर। तो आप घंटों इसके ऊपर गेम खेल सकते हैं और इस फोन का आपको रेंडरिंग नहीं देखने को मिलेगा, मतलब मेरा तो अच्छा नहीं होता, मतलब नेटवर्क भी आप देख सकते हैं मेरा बहुत ही हाई है, मतलब हर वक्त ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो वाईफाई के ऊपर नहीं खेलता, अगर आप लोगों के पास वाईफाई है तो वाईफाई के ऊपर आपका गेम प्ले बहुत ही बढ़िया होगा, आपको इसके अंदर आपका स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको, डिवाइस के ऊपर कोई भी संदेह नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा चलता है ये फोन।
तो चलिए हम लोग बाहर आ जाते हैं, गेम के बाहर आ जाते हैं, देख लेते हैं और कुछ फीचर्स के ऊपर इसके बात कर लेते हैं इस फोन के ऊपर। देख सकते हैं इस फोन के ऊपर बहुत ही मेरा अच्छा BGMI अकाउंट अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई रेंडर भी नहीं इस फोन के अंदर, मतलब अच्छे से चल रहा है ये फोन। तो मैं इस फोन के ऊपर बहुत दिन से खेल रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई रेंडर भी नहीं हुआ, मैं इरांगेल भी खेलता हूँ, बूट कैंप भी खेलता हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। बूट कैंप के ऊपर मैं जाता हूँ तो ऐसा लैग भी नहीं करता ये फोन अभी तो। अभी तो बूट कैंप के ऊपर लोग आना बंद हो चुके हैं, पर आप नूसा के अंदर जब खेलोगे तो नूसा के अंदर भी आपको कोई सा भी रेंडर नहीं होने को मिलेगा इस फोन के अंदर। तो ये फोन गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर है तो ये फोन लेके आपको मजा आ जाएगा। मतलब आप आईफोन के ऊपर पैसा मत बर्बाद कीजिए, 30,000 के ऊपर आएगा तो ये फोन आप जरूर से खरीदिएगा, क्योंकि ये फोन बहुत ही बढ़िया है। इस फोन के ऊपर आता है एक गेमिंग मोड, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पीछे आएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेमिंग स्पेस, तो इस गेमिंग स्पेस के ऊपर ये डेडिकेटेड है इस फोन के लिए, आपको गेम स्पेस देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप अपने ऊपर जो सा भी गेम आप खेलना चाहते हैं वहाँ पे आप अपने ऊपर कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना गेम प्ले इनहेंस कर सकते हैं इस फोन के अंदर। तो इस वीडियो में इतना, तो आपको ये फोन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, और ऐसे ही हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टूडियो बाय इंजीनियर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।